ये झटका जो उठा भाई, ये घर पे गए होंगे, इनकी पैंट पीली मिलेगी, लिख के दे रहा हूँ, पीली मिली होगी इनकी पैंट। हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि रितु रिबा के इंडियन आइडल ने अगर उनको निकाला या जो भी है तो उससे उनका फायदा ही है। अब इस वीडियो में मैं रितु रिबा और प्रभुपड़ा मोहंते, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि वीडियो इनके बारे में बनाए, फिर मैंने इनकी वीडियोस देखी, फिर मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक बेहतरीन सिंगर हैं, जो कि उड़ीसा में बेस्ट सिंगर देखा जाए तो हैं इस टाइम के, और यहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं की। और एक नेहा ने एक मूवी बनाया हुआ है जो मैंने अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उनके गाने स्टार्ट होते ही उन्होंने कैसा मूव बनाया है, जैसे कि खुद को बहुत बड़े अपने आप को सिंगर समझते हैं लोग तो ऐसा करते हैं। तो एक ये है, दूसरा एक ऋषि सिंह है जो बहुत बेहतरीन सिंगर, आपको भी पता है यूपी से है, बहुत बढ़िया सिंगर है। एक ताबिश अली है जो अच्छा सिंगर है, लेकिन कैसे इंडियन आइडल स्क्रिप्टेड है वो इस वीडियो में मैं दिखा सकता हूँ कैसे स्क्रिप्टेड है। तो इस वीडियो के एंड तक देखोगे तो मैं एक एक सिंगर के और इनके जजेस जो कमेंट इनके ऊपर कर रहे थे वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको बताऊंगा। और लास्ट वीडियो में 2000 लाइक्स के लिए बोला था, इस वीडियो में भी अगर 2 या 3 हज़ार के आसपास लाइक आते हैं तो मैं अगली वीडियो रोस्टिंग में बनाऊंगा, जिसमें इंडियन आइडल को रोस्ट ढंग से करेंगे, हंसी मजाक करेंगे उस वीडियो में, और उसमें फैक्ट्स भी बताऊंगा जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कुछ ना कुछ सिंगर्स के बारे में, जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनके लिए वीडियो है। तो इस वीडियो को देखते हैं, अभी एक वीडियो ढूंढी है मैंने, पहले सबसे पहले हम रितु रिबा की नहीं प्रभुपड़ा मोहंते की बात करेंगे। अगर मैं क्या कहते हैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ इनका नाम, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में। तुम दिखते ही लगते हो कि अच्छे सिंगर हो, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही बड़े अच्छा अच्छा तो ये बता रहे हैं कि आशिक है, और मैं बता दूं कि तुम दिखते ही क्या लगते हो तुम्हें भी पता है, सारे लोग कमेंट में बता देना कि ये दिखते ही क्या लगते हैं, बहुत बड़े क्या हैं। अरे अब इतना बेहतरीन अगर कोई गा रहा है, इतना अच्छा गा रहा है कोई कि वो जो इसने लाइन ली चोरी किया ये जिया, अरे इतना बेहतरीन लिया उसने, और उस पर भी अगर आप कमेंट ये कर रहे हैं टू गुड और ये वो, उसके बाद भी आप नहीं लेंगे लास्ट में, आपको पता है आपको स्क्रिप्टेड पहले से कंटेंट राइटर जो इनके कंटेंट राइटर है उसके लिए 21 तोपों की सलामी पहले मैं देता हूँ, उसमें लिखा होता है इनके पास कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो इसमें पहले से रिटन है कि हाँ इनको क्या करना है, एक टू गुड जो भी कमेंट आप दे दो, लेकिन लेंगे नहीं हम इनको, क्योंकि इनको चाहिए वही जिससे एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी शो है, पहले बताया था मैंने ये इंडियन आइडल कोई टैलेंट शो है नहीं, कॉमेडी शो है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रभुपदा मोहंते ओडिशा के बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, पहले से काफ़ी फेमस हैं, लेकिन अगर इतने अच्छे सिंगर हैं तो यहाँ अपना नाम कमाने ही आए हैं कि हाँ मैं अपना कुछ दिखाऊंगा कि पूरे इंडिया को दिख जाए, अभी ओडिशा लेवल पे थे, अब पूरे इंडिया को दिख जाए कि मैं भी एक सिंगर हूँ, लेकिन इन लोगों को ये बात पचेगी कैसे कि इतना बेहतरीन सिंगर अगर हमारे यहाँ आ जाएगा तो बाकी सिंगर थोड़े फीके पड़ सकते हैं, तो इसलिए इनको बस एक इतना दिखाया कि हाँ अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन हम आपको ले नहीं सकते क्योंकि हमारा तो स्क्रिप्टेड है पहले से ही, हमारे पता है हमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो वो सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं तो उसके हिसाब से चलेंगे हम, तो सॉरी बस ये सीन हो गया इनके साथ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेहतरीन सिंगर है, हो सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में इनकी भी एंट्री हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा डाउट चल रहा है, देखते हैं। रितु रिबा हो गया, प्रभुपदा मोहंते हो गया, ये लोग बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, इनको लेना चाहिए, इंडियन आइडल एक गलती कर रहा है अगर इन्हें नहीं ले रहा है, क्योंकि पूरा इंडिया इन्हें पसंद करता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कोई सी भी जगह, दिल्ली हरियाणा, भाई सारे भाई पसंद ज़रूर करते हैं इनको, कोई सभी कोई बता दे जो नहीं पसंद करता है कमेंट में कि हाँ मैं नहीं पसंद करता, कोई मुझे नहीं लगता कोई कमेंट आएगा ऐसा। अब नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ आपको प्रभुपदा मोहंते की, एक और जो सिंगिंग जब इन्होंने स्टार्ट की थी तो एक और नेहा का रिएक्शन था वो मैं आपको पहले दिखा दूं। ये वीडियो देखो, इसमें प्रभुपदा के अगर आप गाने को स्टार्ट करते हुए सुनोगे तो कैसे नेहा जी ने अपना मुंह बनाया यहाँ से। अच्छा, जैसे कि मतलब इनसे बढ़िया कोई गा ही नहीं सकता, ये वाली लाइन कैसी ली है इसने, मैं इससे बेहतर ले सकती हूँ, ये वाला रिएक्शन है इनका। ओ तुझ पर जान हमने लुटाई है, तब जाके तू संग आई है। अब ऐसे सिंगर्स को कोई ना ले तो फिर आप बताओ कैसा लगेगा, पूरी जनता इसलिए पागल हो रखी है कि
कि बॉयकॉट करो इंडियन, इसीलिए क्योंकि पूरी जनता को पता है कि ये सिंगर्स हैं असली जिसको लेना चाहिए। जिनको इन्होंने लिया है वो भी बेकार नहीं है, कोई सा उनमें से बेकार नहीं है। जैसे ऋषि सिंह मुझे पसंद है, मुझे रितो रिबा पसंद, मुझे ये पसंद आए, मुझे नहीं मालूम था इनके बारे में इतना, लेकिन अभी गाना सुना तो मुझे मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है इसके अलावा मुझे आपका क्या कहते हैं ताबिश अली भी अच्छा गाता है, मुझे पसंद है, लेकिन उसका जो एक्टिंग करवाई उससे, वो स्क्रिप्टेड है, कैसे स्क्रिप्टेड है मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में पूरा, कि कैसे उन्होंने स्क्रिप्ट की तरह उसको यूज किया कि भाई तुझे ऐसा करना है, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, मैं दिखाता हूँ उसका सबूत। रोका इन्होंने ताबिश, आपकी बहुत ही प्यारी मीठी आवाज है। थैंक यू मैम। कुछ है, कुछ बात है आप में ताबिश, बट आप मेरे भाई टोनी कक्कर की तरह नहीं गा पाओगी, तो फिर इसलिए मैं आपको पसंद नहीं कर सकती हूँ, वरना मैं आपको पसंद कर लेती, लेकिन टोनी कक्कर आपसे बेहतरीन गाता है इसलिए मैं सिर्फ उसी का सपोर्ट करती हूँ, बाकी सब हल्के हैं उसके सामने। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ताबिश। इनको और मेहनत करनी है, और टोनी कक्कर प्रिपेयर्ड थे, पहला ही गाना उनका जो, मतलब कोई सा भी एक वर्ड दे दो टोनी का, कोई सा भी काम, कोई सा भी वर्ड दे दो आप, कि जैसे ढिंचक पूजा थी दारू था तो दारू 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 दारू, वैसे टोनी कक्कर है, कोई सा भी वर्ड दे दो वो 5 बार उस गाने में उसको जोड़ ही देंगे। टोनी कक्कर का गाना कोई सा भी सुन लो आप, यही चल रहा होता उसमें, कोई सा भी, अब वॉल्यूम थोड़ा कम कर कम कर कम कर कम कर, अबे समझ गए भाई, कम करना वॉल्यूम, कम करना, समझ गए बात को, समझ रहे हम तेरी, तो ऐसी कोई सा भी एक वर्ड दे दो कमेंट में, लिखो कि ये वर्ड से गाना बनाना टोनी कक्कर का, अगले वाले वीडियो में मैं कौन टोनी कक्कर का गाना बना के दिखाऊंगा आपको लाइव, मेरे को वर्ड्स बता देना बस। पर मेहनत करनी पड़ेगी ताबिश। आई एग्री एंटायरली, मेहनत थोड़ी बाकी है बेसिकली आपकी, सो सॉरी अबाउट दैट ताबिश। जी सर, अब देखना कैसे स्क्रिप्ट चेंज होती है तुरंत, 1 सेकंड में कैसे पूरा, मतलब जज्बात पलट जाते हैं, सारी चीजें पलट जाएंगी, देखना अब। ये भाई जा रहे हैं, इन्होंने देखा इशारा वेशारा चल रहा, हाँ करना है ना अभी, हाँ ठीक है करेंगे अब, ठीक है ये भाई जा रहे हैं this way, this way. इधर 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 से जाना है, उन्होंने पूरा इशारा बता दिया कि इस तरफ से जाना है और फिर वहीं से गुनगुनाना, याद रखना पूरा स्क्रिप्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा ये बेहतरीन नहीं गाता है, बहुत अच्छा गाता है ये, लेकिन आप पूरा मतलब एक स्क्रिप्टेड शो है, कैसे है वो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है जी। अरे एक्टिंग क्या कर रहे हो, इनकी एक्टिंग देखो, अब ये एक्टिंग नहीं है, इनके 50 रुपए नहीं 100 रुपए काटूंगा मैं ओवर एक्टिंग में। अरे ताबिश वापस आओ, ये क्या कर रहे थे आप, ये क्या हरकत ली आपने, क्या क्या गाया अभी? जाते जाते वो जरा कितना सीधा है, वो हंस रहा है, मतलब उसको मालूम है कि एक्टिंग करवा रहे हो आप लोग मुझसे, तो वो हंस रहा है, अपने ढंग से देखियो, अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो हंस रहा है जी। तो अभी तो परफेक्ट सुर में गाया, कहा था ये, कहा था ताबिश, ये कहा था पूछ रही है, ये कहा था, ये क्या कर रहे हो आप, ये वही कर रहा है जो टोनी कक्कर नहीं कर पाएगा वो कर रहा है। तेरे दिल तेरा, ओके यू नो व्हाट, और मेरा, दिस हैज नेवर हैपेंड, मैं करन, हर जगह सेम डायलॉग, ये कभी नहीं हुआ है, दिस वाज नेवर हैपेंड, इसका मतलब ये है कि मतलब कोई सा भी गाना कोई सिंगर गाएगा, इनके पास 2-3 चीजें आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखी देख लो, दिस इज नेवर हैपेंड, ये कभी हुआ नहीं, ओ माई गॉड, ये 2-3 रिएक्शन, और एक चौथा जो बेस्ट इनका, हर जगह फेमस है इनका, मतलब ये नेहा कक्कर का तकिया कलाम बन चुका है कि कोई सा भी स्टार्ट करेगा गाना इनको गूज़बम्स आएंगे, रोना आएगा, 2 चीजें ये फेमस है। बट ये क्यों किया तुमने, ये अंदाज में गाना और वो अंदाज का गाना वॉज लाइक जमीन आसमान का फर्क, हाँ क्यों, आई मीन क्या सोच रहे थे, हिमेश रेशमिया पूछ रहे हैं कि क्यों किया ये आपने, अबे क्लियर पता है कि तुमने बताया उसको ऐसा करने को, इसलिए उसने किया, स्क्रिप्ट है ये, ऑडियंस को बेवकूफ समझ रहे हो तुम, ऑडियंस को बेवकूफ मत समझो भाई, ऑडियंस है ये, बेवकूफ नहीं है ये, इनको सब पता है, पहले लोगों को कुछ भी बना देते थे लोग बेचारे देख लेते थे सीधे वो करते थे, अभी बहुत तेज दिमाग है लोगों का, अभी
दिमाग तो लोगों का होता था पहले, लेकिन बेचारे भोले होते थे। अभी आजकल के बहुत तेज हैं, उनको पता है कि क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो, पूरा ऑडियंस को सारी चीजें पता है। तो इतना नाटक और इतना मुंह मत बनाओ कि हाँ अरे ये क्यों कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब अपने आपको इतना भोला दिखा दो। एक तो ये मुंह पिचकाने की आदत है। एक हमारे भाई ने एक वीडियो बनाई थी, बहुत बढ़िया वीडियो लगी मेरे को, रिएक्शन भाई आरजी, उसने भी सेम बात बताई थी कि मुंह पिचकाने वाली आदत जो है इसकी बहुत बेकार लगती है। अब सोचो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, गाइस हेलो, इस तरीके से कैसा लगेगा, वो चीज करते हैं ये मैसेज जमिया जी। इंतजार तेरा तो दिल तू यो जान मेरी मैं तनु समझा बाकी ओह माय गॉड ना तेरे बिन लगेगा। अब ये होता है रिएक्शन देना, क्या बात है बहुत बढ़िया किया, यहाँ तक रिएक्शन बढ़िया था कि हाँ बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, ये रिएक्शन देते हैं बैठ के अच्छा लग जाता है, कभी कभी उठ जाते हैं खड़े हो, ठीक है। एक रिएक्शन हेमेश रेशमिया के दिखाऊंगा, ओवर एक्टिंग वाला भी, मतलब ओवर एक्टिंग का भी एक होता है ना कि एक होता है एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, और ओवर के बाद होता है कि मतलब अलग ही एक्टिंग की, जो मतलब कोई इस संसार से पैरेलल यूनिवर्स में चल रहे हैं भाई। अभी देखना अगली, इसमें बहुत ही खतरनाक रिएक्शन दिया भाई ने, देखना वीडियो में, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने ऋषि भाई के लिए जब रिएक्शन दिया था अपना, तो कैसा दिया ऋषि बहुत बेहतरीन गाता है, उसके लिए रिएक्शन आप दो, मैं मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है अरे भाई क्या गा दिया, गूजबम्स आते हैं, जैसे ऐसे ऐसे सिंगर्स हों तो आते हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सिंगर ये, लेकिन तुम ओवर एक्टिंग सी कर दो उसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। दिखाता हूँ वीडियो, ये झटका जो उठा भाई, ये घर पे गए होंगे इनकी पैंट पीली मिलेगी, लिख के दे रहा हूँ पीली मिली होगी इनकी पैंट। समझ रहे होगे क्या बोल रहा हूँ मैं, हक दिया भाई ने। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। विशाल ददलानी ने गले मिला, मेरे से नहीं मिलोगे भाई, नहीं नहीं तू तेर से नहीं हो पाएगा, तेर से मिल पाऊँ, उसने भाई विशाल दानी के पैर छुए, गले मिला, इससे नहीं मिला, ये ऐसे खड़े रह गए। और मैं, अरे मैं भी तो वीडियो आ रहा हूँ, मतलब मैं भी तो टीवी में हूँ भाई, मेरे से तो गले मिल। ये चल रहा है इनका भाई का। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये मैं बता ही रहा हूँ, पहले से बताता आ रहा हूँ, स्क्रिप्टेड शो है, बेवकूफ़ समझते हैं ये, जनता बेवकूफ़ है नहीं, इनको बता दो, इनको कमेंट करके बता दो जनता बेवकूफ़ नहीं है। और क्या कहते हैं, इस वीडियो को जो है लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ लोगों को आंखें खुलें। बहुत लोगों को ऐसा अभी भी सोचते हैं, बहुत लोग इंडियन आइडल को पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पसंद ना करो, अच्छे सिंगर्स हैं, सिंगर्स पसंद करो, सारे सिंगर्स की, किसी सिंगर की बुराई मत करिए आप। सिंगर अगर टैलेंटेड है तो आप बुराई कर ही नहीं सकते, वो बहुत बेहतरीन गाते हैं, लेकिन आप अगर सिखाएंगे ही उन्हें ऐसी चीज़ें कि एक्टिंग कर, ये कर, वो कर, तो फिर मज़ा नहीं आ पाएगा, ऐसे सही नहीं है। आप टैलेंट को आप वो कर देते हो अलग साइड, जो आपको पता है कि हाँ इनको लेना है, इनसे हमने स्क्रिप्ट बनाई हुई है, क्या करना है। अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऋषि के लिए, ऋषि बहुत बेहतरीन सिंगर है, जीत सकता है, लेकिन पहले से स्क्रिप्टेड ऐसा लग रहा है मुझे कि ऋषि को विनर बनाएंगे, और उस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे ये मुझे ऐसा लगा, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, जैसे मैं स्क्रिप्टेड वाला प्रूफ दिखा ही रहा हूं कि ये देखो ये क्या चल रहा है, मतलब ये जैसे ज्ञान चल रहा है वैसे ही। तो इस वीडियो पे मैं चाहता हूं कि काफ़ी लोगों पे क्या कहते हैं पहुंचा दो इस वीडियो को, जिससे कि सारे लोगों की आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं। और आप जितने भी लोगों मेरे को बताते रहते हो, ज़्यादा जिसके बारे में बताओगे कि हाँ इस वाले सिंगर के बारे में बात करो, तो मैं उस वाले में उसके ज़रूर डेफिनेटली मैं बात करूंगा, उस वीडियो में, इस अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और रोस्ट भी करूंगा एक बढ़िया सा। अभी तो बेसिक रोस्ट है कि हाँ ठीक है भाई ऐसा चल रहा है, रोस्ट भी करूंगा। इस वीडियो पे 3000 के आसपास लाइक आते हैं, तो मैं अगली वीडियो और अच्छी ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें इनका मजाक भी उड़ेगा और सिंगर्स की तारीफ होगी, और सिंगर्स का वो मतलब ये है कि अच्छे जो सिंगर्स हैं टैलेंटेड, जिनको नहीं पहचाना जा रहा है, ये लोग नहीं पहचान रहे हैं, उनको मैं तो कोशिश करूंगा कि लोगों तक पहुंचे वीडियो कि हाँ ये सिंगर्स हैं, जो नहीं जानता वो देख लो। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इसको जितने हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो यार, सब्सक्राइब करके जाया करो। कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब कोई करता नहीं, आगे जैसे ज़्यादा लोग देख पाएंगे, अभी कम लोग देख पाते हैं, शेयर करो सब्सक्राइब करो तो ज़्यादा लोग देखेंगे, तो उसमें और अच्छा लगता है कि हाँ चलो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और वीडियोस बनाता हूं, और चीज़ों को लेके आता हूं पकड़ के। मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, ढूंढ के लाऊंगा अभी मैं इनकी वीडियोस, आपको दिखाता रहूंगा बीच बीच में।
और रोस्ट तो बनेगा भाई, रोस्ट तो बनेगा। 3,000 से ऊपर लाइक है, पिछली वाली वीडियो में 4,000 लाइक दे दिए तुमने, ऐसी अगर 3-4 हज़ार लाइक फिर से इस वीडियो में मिलते हैं तो अगली वाली तो और बेहतरीन रोस्टिंग होगी इनके बारे में। सब्सक्राइब जरूर करके जाओ और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, nihalsingh_7। डिस्क्रिप्शन में अगर जिसको चाहिए लिंक इंस्टाग्राम की, वहाँ पे मैं चीज़ें बताता रहता हूँ, ऐसी स्टोरीज वगैरह, मेरे भी गाने होते हैं, मैं अपने गाने गाता हूँ, वो भी बनाता हूँ, तो उस गाने को सुनो। और मेरे इसी चैनल पे बहुत सारे गाने मैंने गा रखे हैं, वो गाना सुनिए आप लोग। थैंक यू, मज़ा आ गया वीडियो बना के।